आज के एपिसोड में आप देखेंगे दांडी बीच, कराड़ी विलेज और अद्भुत शिल्प से बना हेरिटेज म्यूजियम दांडी का कराड़ी गांव। नवसारी से दांडी के बीच तक का यह रोड हेरिटेज दांडी रोड के नाम से जाना जाता है। आजादी के ठीक 17 साल पहले 1930 में अंग्रेज सरकार ने नमक पर टैक्स लगाया था, जो बिल्कुल ही गैर वाजिब था। गांधी जी ने इसका सख्ती से विरोध करने के लिए देश भर में इसके खिलाफ आंदोलन छेड़ा। गांधी विचारधारा के उस दौर में देखते ही देखते हजारों लोग दांडी सत्याग्रह के लिए तैयार हो गए। गांधी जी की अगुवानी में अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से सविनय कानून भंग करने के लिए फॉलोवर्स के साथ 241 मील तक का कूच किया और बीच रास्ते में अनेक सभाएं करते हुए लोगों में आजादी का माहौल बनाते गए। हेरिटेज रोड पर दांडी बीच से 8 किलोमीटर पहले यहां से दाईं ओर जाने वाले रास्ते पर कराड़ी गांव आता है, जहां पर गांधी स्मृति मंदिर बनाया गया है। इस जगह का शांत वातावरण देखिए, यहाँ कितना सुकून है ये देखिए, छोटे बच्चे कितने मजे से शिक्षा ले रहे हैं। ऐसे नेचुरल माहौल में पढ़ाई करना भी एक एंजॉयमेंट से कम नहीं है। इसी तालाब के पानी से गांधी जी स्नान किया करते थे। 90 साल पहले घटी हुई इस घटना के गवाह में तो कोई जिंदा नहीं है, लेकिन इस गांव के बुजुर्गों से सुनी हुई बातें बताते हुए ट्रस्टी ने हमें बताया कि उस समय इस ट्रस्ट के आजीवन प्रमुख सरदार वल्लभ भाई पटेल खुद थे। अभी यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल चल रही है। दांडी कूच के दौरान गांधी जी ने 14 अप्रैल 1930 से 4 मई 1930 तक यानी 21 दिन तक यहाँ इस गांव में निवास किया था। यहाँ से समुद्र किनारे बने हुए नमक के अगर की ओर कूच ले जाकर नमक उठा के कानून तोड़ा था और इसी झोपड़ी में बैठकर अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड इरविन को लेटर लिखकर सॉल्ट एक्ट भंग किए जाने के बारे में सूचित किया था। इस सत्याग्रह की वजह से 4 मई 1930 रात 12 बजे इसी जगह पर से ब्रिटिश पुलिस ने गांधी जी को गिरफ्तार किया था और यहां से सीधा पुणे की येरवाड़ा जेल में ले जाया गया था। कराड़ी गांव की पवित्र भूमि पर गांधी जी के उपरांत कस्तूरबा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल साहब, मोरारजी देसाई, काका साहब कालेलकर, विनोबा भावे, रविशंकर महाराज, स्वामी आनंद, गोकुल भाई, वेंकट रामन विग्रह आदि क्रांतिकारी नेता पधारे हुए थे। आज के टाइम में भी यहाँ कई महानुभाव इस स्थल की मुलाकात लेते हैं। कराड़ी गांव से निकलकर फिर से हेरिटेज रोड पर आकर दांडी बीच तक जा सकते हैं। ये वही बीच है जहाँ गांधी जी ने कूच करके नमक उठाकर कानून तोड़ा था। इस दांडी कूच से अंग्रेज सरकार की बुनियाद हिल गई थी, अंग्रेजों के साथ खिलाफत हो गई थी। लॉर्ड इरविन को इस सत्याग्रह से इतना तो समझ में आ गया था कि अब हिंदुस्तान को ज्यादा समय तक गुलाम नहीं रखा जा सकता है, लेकिन फिर भी इस सत्याग्रह को तोड़ने के लिए उसने गांधी जी को कैद कर लिया था। सॉल्ट मेमोरियल। दांडी बीच से सिर्फ 1 किलोमीटर दूरी पर गुजरात टूरिज्म ने नेशनल सॉल्ट सत्याग्रह नाम का एक बहुत ही सुंदर मेमोरियल बनाया है। इस बैनमून प्रदर्शन को देखने के लिए सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक आप यहां आ सकते हैं। इसके लिए एंट्री टिकट सिर्फ 20 रुपए है, जबकि बच्चों के लिए सिर्फ 10 रुपए है और 5 साल तक के बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री है। याद रहे, इसके अंदर पानी की बोतल, खाद्य पदार्थ और तंबाकू से कोई भी चीज लेकर प्रवेश नहीं किया जा सकता है। मंगलवार के दिन ये मेमोरियल बंद रहता है। यहाँ से एंट्री टिकट लेकर स्मारक में एंट्री करते ही नमक उठाते हुए गांधी जी की मूर्ति दृश्यमान होती है। फिर सीधा आगे बढ़ के एक छोटा सा ब्रिज क्रॉस करके एग्जीबिशन सेंटर के मुख्य गेट तक आ जाते हैं। 30 जनवरी 2019 के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्र को समर्पित किए गए इस मेमोरियल में आजादी की लड़ाई के आबे झांकी कराए गए ऐसे 24 अद्भुत शिल्प रखे गए हैं। शिल्पकार ने अपनी आर्ट का परिचय देते हुए सभी शिल्प को इतना लाइव बनाया है कि देखने वाले अभिभूत हो जाते हैं। सभी शिल्प के नीचे उनकी डिस्क्रिप्शन लिखी गई है। आई वॉन्ट वर्ल्ड सिंपथी इन दिस बैटल ऑफ राइट अगेंस्ट माइट।
5 अप्रैल 1930 का गांधी जी के हस्ताक्षर में लिखा हुआ एक महत्वपूर्ण मैसेज यहां उकेरा गया है। इस म्यूजियम को यहां लेफ्ट की ओर से देखना स्टार्ट करें, क्योंकि इस सभी शिल्प की घटना को इसी क्रम में रखा गया है। ये देखो, सूरत सिटी का तापी का रेलवे पुल जो सत्याग्रही से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। इस शिल्प में सूरत की जहोज लाली नजर आ रही है। और ये भी देखिए, गांधी जी अगर से नमक उठाकर कानून भंग करते हुए, सत्याग्रह का 90 साल पुराना माहौल कितना जीवंत लग रहा है। ये वो 80 लोगों की नामावली है जिसका दांडी सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने स्वयं चयन किया था। करोड़ों रुपए की लागत से बना हुआ यह स्मारक एक आइलैंड पर बनाया हुआ है। महात्मा गांधी जी को समर्पित इस स्मारक की मुख्य प्रतिमा, जिसे मध्य भाग में स्थापित किया गया है, ये मेमोरियल शायद दुनिया का सबसे पहला स्मारक होगा जो बिजली के मामले में पूर्ण रूप से स्वावलंबित है। यस, यहाँ पर इस तरह के कई सारे सोलार ट्री लगाए गए हैं। इस ट्री से पैदा होने वाली बिजली से इस संकुल की बिजली की सारी जरूरत फुलफिल हो जाती है। मतलब ये मेमोरियल इलेक्ट्रिसिटी की नीड के मामले में सेल्फ डिपेंडेंट है। दोस्तों, हमें भी अपने घर में या काम की जगह पर ऐसी सोलर पैनल लगवा कर ग्रीन एनर्जी का निर्माण करना चाहिए। सत्याग्रह में सम्मिलित देशभक्त जो नमक बनाकर बटोरने की फिराक में, टूरिस्टों के लिए ये जगह बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर आप खुद अपने हाथों से नमक बना सकते हो। इसके लिए सामने वाले नल से खारा पानी लेकर इस आधुनिक अगर में डाल के सोलार एनर्जी से चलने वाले इस अगर में कुछ ही मिनट में आपकी नजर के सामने ही पानी से नमक बन जाता है। ये सारी प्रोसेस आप यहाँ बैठकर देख सकते हो। यहाँ पर ऑडियो विजुअल सिनेमा घर है, जहाँ डॉक्यूमेंट्री के थ्रू आजादी का इतिहास दिखाया जाता है। वारंगल गांव के अजय मतेवाड़ा, जो कि माइक्रो शिल्प बनाने के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने दांडी कूच का एक माइक्रो स्कल्पचर को सुई की नोक के अंदर बनाकर उत्कृष्ट कलाकारी का उदाहरण पेश किया है। उनकी बनाई कलाकृति को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है, जो यहाँ लगाया गया है। ऐसे बैनमून शिल्प बनाने वाले शिल्पी अजय मतेवाड़ा को एपिक गुजरात की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। कैफी विला, साबरमती आश्रम से दांडी तक की 241 मील की यात्रा करके 24 दिन के बाद यहां इस सैफी विला नाम की जगह पर पहुंचे थे। इस विला के मालिक सैदना ताहिर सैफुद्दीन और उनके परिवार ने बड़ी खिदमत से महात्मा और उनके फॉलोवर्स का स्वागत किया था, और ये विला उन्हें उपयोग करने हेतु समर्पित किया था। गांधी जी ने सिराजुद्दीन सेठ से मजाक में कहा था कि मने संघरी न तमे कोई वक्त बंगलो खोई बेसवाना छो, मतलब कि आप इस तरह आपके विला में मुझे आश्रय देकर एक दिन आप अपना बंगलो गवा देंगे। आखिरकार ये सच हो ही गया। आज ये बंगलो राष्ट्रीय स्मारक बन गया है। दोस्तों, अगली बार जब भी दांडी आओ, तब सिर्फ बीच जाकर टाइम पास या वेस्ट करने की जगह करोड़ों की लागत से बने इस अनूठे म्यूजियम की विजिट अवश्य करना। यहाँ आपको आर्ट के साथ हेरिटेज इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। हाउ टू रीच, दांडी आने के लिए नवसारी से दांडी तक डबल ट्रैक स्टेट हाईवे है। प्राइवेट व्हीकल से या स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस से भी यहां पहुंचा जा सकता है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन नवसारी है, जो वेस्टर्न रेलवे की अहमदाबाद मुंबई लाइन पर स्थित है। सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट दांडी का नजदीकी एयरपोर्ट है, जो देश के सभी बड़े शहरों से कनेक्टेड है।